नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित श्रीवास्तव और आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ वो मोस्ट अवेटेड वीडियो रही है, मोस्ट अवेटेड वीडियो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का बहुत सारी रिक्वेस्ट मेरे पास आई कि सर किसी भी तरीके से हमारे को ये बताइए कि लोग इतने सारे इंश्योरेंस कंसल्टेंट हम सुनते हैं कि एक महीने में MDRT कर डाली, कैसे कर डालते हैं, क्या वो सिर्फ वो बड़े बड़े एजेंट होते हैं सिर्फ वही कर सकते हैं, क्या मैं तो छोटा एजेंट हूँ मैं नहीं कर सकता, क्या मैं तो छोटे शहर में रहता हूँ मैं नहीं कर सकता, दिल्ली मुंबई कलकत्ता मद्रास यही वाले लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों इन सारे सवालों के जवाब में लेके आया हूँ और मेरा इन सारे सवालों के जवाब में अगर कोई एक लाइन में एक स्टेटमेंट है तो वो ये है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से शहर में हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस हालात में हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने अपना कितना बड़ा सेटअप बना रखा है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके लिंक कैसे हैं, कोई बड़े से बड़े लोगों को आप जानते हैं या नहीं जानते हैं। अगर दोस्तों फर्क पड़ता है तो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक चीज से कि आप में क्या जज्बा है MDRT करने का, आप कितने जुनूनी हैं उस MDRT को लेके, आप किस शिद्दत से काम करना चाहते हैं, किस मेहनत से किस डेडिकेशन के साथ लगना चाहते हैं और अपने आप को एक MDRT एजेंट बना देना चाहते हैं। अगर 1 month MDRT की बात करें तो दोस्तों MDRT है क्या, MDRT which is known as Million Dollar Round Table Club, वो MDRT अगर हम लेमैन की लैंग्वेज में समझें, अगर एक इंश्योरेंस एजेंट अपने कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो दोस्तों MDRT का मतलब है 36 लाख रुपए का प्रीमियम करे अगर लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट और उसकी इनकम करीबन 9,34,000 रुपए की अगर उसकी इनकम होती है तो वो कहलाता है MDRT। अब आप सोच के देखिए, यहां हम बात कर रहे हैं 1 month MDRT की, एक महीने में MDRT कैसे करें, तो दोस्तों एक महीने में 9,34,000 रुपए कैसे कमाएं हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो सोच के देखिए, अगर आज आप ये डिसीजन लेते हैं कि आपको एक महीने में 9,34,000 रुपए कमाने हैं तो आप में किस तरह की ऊर्जा का संचार होगा, आपको क्या फील होगा, आपके अंदर कैसी एनर्जी आएगी, आप क्या फील करेंगे। दोस्तों 9,34,000 रुपए अगर आज एक महीने में आपके पास आ जाते हैं तो आपकी जिंदगी में किस तरीके से खुशी आएंगी, क्या वैल्यू रखेगा वो, दोस्तों पूरे भारत में आपको लोग जानने लग जाएंगे, लोगों को पता होगा कि कोई फला एजेंट फला कंट्री फला डिस्ट्रिक्ट का फला स्टेट का ऐसा बंदा है जिसने एक महीने में MDRT कर दी और एक महीने में 10 लाख रुपया कमा लिया। दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैंने भी 1 month में MDRT करने का रिकॉर्ड बनाया था। अब जब मैंने एक महीने में MDRT की थी तो मैंने उस मंथ में क्या किया था वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं हमेशा जब भी इस तरह का कोई प्रोजेक्ट लेता हूँ या जितने भी मैं बड़े एजेंट्स को जानता हूँ, जितने भी मैं टॉपर्स एजेंट्स को जानता हूँ, उन लोगों के साथ अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मुलाकात होती है तो उन लोगों से भी यही बात समझ में आती है कि जब भी उन्होंने 1 month MDRT, 1 day MDRT, 6 month MDRT जैसे प्रोजेक्ट उठाए हैं तो उन्होंने एक स्ट्रेटजी पर काम किया है। कैसी स्ट्रेटजी? दोस्तों आपको स्ट्रेटजी बनानी होगी, वो स्ट्रेटजी कैसे बनाएंगे मैं आपकी हेल्प करता हूँ। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि एक बड़ा टारगेट है, कितना टारगेट, 36 लाख का, कैसा टारगेट है, लंबा टारगेट है, बड़ा टारगेट है। इसको आसान बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको आसान बनाने के लिए हमें इसे टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ से जयपुर जाना है और मैं रात के वक्त चल रहा हूँ और मेरी कार मुझे कितने आगे का रास्ता दिखा पाती है, शायद ज़्यादा से ज़्यादा 50 मीटर, 60 मीटर, 100 मीटर, इससे ज़्यादा तो नहीं दिखाती, पर जैसे ही मैं 100 मीटर आगे बढ़ता हूँ वही 100 मीटर आगे का रास्ता दिखा देती है, फिर मैं 100 मीटर आगे बढ़ता हूँ तो हेडलाइट आगे 100 मीटर का रास्ता दिखा देती है और इस तरीके से मैं यहाँ से जयपुर तक का सफ़र रात के अंधेरे में भी तय कर लेता हूँ। इसी तरीके से दोस्तों 36 लाख रुपए का टारगेट का आपको पीछा करना है, 36 लाख रुपए का प्रीमियम आपको करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, शुरू में पहले 100 मीटर के बारे में सोचिए। कैसे 100 मीटर, आप सोचिए कि 36 लाख करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए 5,000 रुपये पर मंथ वाली पॉलिसी, सिर्फ 5,000 रुपये पर मंथ कोई भी सेव कर सकता है, 30,000, 40,000, 50,000 रुपये कमाने वाला कोई भी आदमी वो सेविंग कर सकता है। 5,000 रुपये पर मंथ की सेविंग वाली पॉलिसीज यानी कि साल का कितना प्रीमियम हो गया, 60,000 रुपये, वो 60,000 के प्रीमियम वाली अगर आप 60 पॉलिसी कर लें, ओनली 60 पॉलिसी, कितने रुपये वाली, 5,000 रुपये पर मंथ वाली आप 60 पॉलिसी कर लेंगे तो आप MDRT हो जाएंगे। दिस इज़ वन ऑफ द स्ट्रेटजी। पहले कैलकुलेशंस को समझने की ज़रूरत है, पहले पेपर वर्क करने को की ज़रूरत है। जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स उनके कॉर्पोरेट हाउसेस के सेल्स डिपार्टमेंट में जब सेल्स डायरेक्टर बैठते हैं तो इसी तरीके से पेपर पे काम करते हैं कि हमारे को अगर कोई बड़ा टारगेट अचीव करना है तो किस तरीके से करना है। पेपर पे पहले काम कीजिए। पेपर पे काम करने का तरीका क्या है कि अगर मैं 5,000 रुपये पर मंथ वाली 60 पॉलिसी कर लूँ तो मेरा प्रीमियम हो जाता है 36 लाख रुपये, यानी कि मैं MDRT हो जाता हूँ।
इसी तरीके से अगर 5,000 की बजाय मेरे पास कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 10,000 रुपए पर मंथ सेव कर सकते हैं, तो वो 10,000 पर मंथ वाली अगर मैं सिर्फ 30 पॉलिसी कर लूं तो प्रीमियम हो जाता है 36 लाख रुपए और मैं MDRT बन जाता हूं। इसी तरीके से दोस्तों, अगर मैं 500 रुपए पर डे वाली, यानी कि मैं बात कर रहा हूं करोड़पति प्लान की, जीवन लाभ पॉलिसी की, कि अगर 500 रुपए प्रतिदिन वाली, अगर 15,000 रुपए महीने वाली, 1,80,000 रुपए साल वाली, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ 20 पॉलिसीज बेच पाता हूं तो मैं बन जाता हूं MDRT कंसल्टेंट। यानी कि मेरे पास तीन कैटेगरी आ गई, एक वो कैटेगरी जिनको मैं 5,000 रुपए पर मंथ वाली पॉलिसी पिच कर सकता हूं, एक वो कैटेगरी जिनको मैं 10,000 रुपए पर मंथ वाली पॉलिसी पिच कर सकता हूं, और वो एक कैटेगरी जिनको मैं HNI जो मेरे क्लाइंट हैं जिनको मैं 1,80,000 रुपए साल वाली पॉलिसी दूंगा। तो जब दोस्तों मैंने पेपर पे वर्क कर लिया कि या तो मुझे इस तरह से पॉलिसीज करनी है 5,000 वाली या 10,000 वाली या 15,000 रुपए पर मंथ वाली, और इस तरीके से टारगेटेड सेगमेंट बना ली, तो दो चीजों के ऊपर काम करते हैं। पहला, एग्जिस्टिंग कस्टमर। दोस्तों जब भी आप कभी वन मंथ MDRT, वन डे MDRT का टारगेट लेते हैं, तो सबसे बड़ा टूल जो आपके पास होगा दोस्तों वो होते हैं एग्जिस्टिंग कस्टमर। वो एग्जिस्टिंग कस्टमर जिनके सामने आपकी कुछ रेपुटेशन होती है, वो एग्जिस्टिंग कस्टमर जो आपको समझते हैं, वो एग्जिस्टिंग कस्टमर जो आपको सपोर्ट करने को भी तैयार होते हैं। अगर आप उनको बताएं कि आप MDRT जैसी रिकॉग्निशन करने जा रहे हैं, आप ऐसा रिकॉर्ड एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं और उसके लिए आपको उनका सपोर्ट चाहिए, तो वो सपोर्ट के तौर पर ही आपको कुछ पॉलिसीज आपसे करवा सकते हैं, आपके पास कुछ अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। उन्हें इन्वेस्टमेंट तो करनी ही है, सेक्शन 80C में भी सेविंग भी लेनी ही लेनी है, इनकम टैक्स में रिबेट भी लेनी ही लेनी है, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, वो आपके पास इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि ये डिसाइड करने के बाद क्या करें। अब दोस्तों ये डिसाइड करने के बाद दो चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं, तो एग्जिस्टिंग कस्टमर मैंने बताया, दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं न्यू कस्टमर्स, नई प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें, नए लोगों से कैसे काम लें। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए, कोई भी सेल्स का टारगेट, अगर कोई बड़ा टारगेट लिया जाता है तो उसके साथ साथ कुछ प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, कुछ स्पेशल प्रमोशन की जाती है। आपको पता है दिवाली के टाइम पे सारी की सारी कंपनीज ऑफर लॉन्च करती हैं, क्यों करती हैं? फ्लिपकार्ट को अगर किसी एक दिन में सेल बढ़ानी होती है तो वो कुछ लेके आता है, अमेजोन को अगर एक दिन में कोई सेल बढ़ानी होती है तो वो कुछ लेके आता है, एक पर्टिकुलर कंपनी पर्टिकुलर पीरियड में कुछ प्रमोट करना चाहती है तो उसके लिए वो एक्स्ट्रा रिवॉर्ड देती है, एक्स्ट्रा एफर्ट डालती है, अपने सारे एम्प्लॉयज को एक्स्ट्रा पुशअप करती है। तो सोचिए अगर आपको एक महीने में 9,34,000 रुपए कमाने हैं तो वो 9,34,000 के लिए आपके एक्स्ट्रा एफर्ट किया है। दोस्तों जब मैंने डिसीजन लिया, आपकी अपनी स्ट्रेटजी हो सकती है, अगर मेरी स्ट्रेटजी से आपको कुछ भी फायदा मिलता है तो मैं खुशकिस्मत समझूंगा अपने आपको। मैंने जो स्ट्रेटजी अपनाई वो मैं बताता हूँ। मैंने डिसीजन लिया कि यार मैं नॉर्मली अगर एक महीने में 3,00,000 रुपए महीने की एवरेज से कमाता हूँ, और 3,00,000 रुपए पर मंथ की एवरेज से कमाने के बाद मैं ये डिसीजन लेता हूँ कि मुझे एक पर्टिकुलर महीने में 10,00,000 कमाने हैं, तो उस 10,00,000 रुपए यानी 7,00,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाने के लिए मैं क्या खर्च करने को तैयार हूँ। मैं उल्टा चल रहा हूँ, यानी कि मैंने डिसीजन लिया कि मुझे 7,00,000 एक्स्ट्रा कमाने हैं तो उसके लिए मैं क्या करूं, तो मैंने अपना बजट बनाया कि 20% ऑफ दैट अमाउंट, यानी 7,00,000 का 20%, 1,40,000 रुपया तो मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं अगर मुझे ये करना है। और दोस्तों इन्वेस्टमेंट किस चीज में करनी है, दोस्तों इन्वेस्टमेंट करनी है प्रोजेक्ट्स में, जैसे कि एक टेलीकॉलिंग प्रोजेक्ट। मैंने अपने ऑफिस में 3 टेलीकॉलर्स रखी थी, उन 3 टेलीकॉलर्स को रख के उन टेलीकॉलर्स से कॉल करवाता था मैं, उनको हमने एक डेटा दिया था जिसके ऊपर वो कॉलर कॉल करती थी कि नमस्कार सर, मैं LIC से बात कर रही हूँ और क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ, और उसके बाद वो एक स्पेसिफिक पिचिंग के ऊपर बात करती थी। मेरे टेलीकॉलिंग वाले वीडियो के ऊपर जाके आप उस पूरे के पूरे टेलीकॉलिंग कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। अब वो लड़की वहां से पॉलिसी कस्टमर्स को पिच करती थी, अब वो कॉलर ने पिच कर दी क्लाइंट को, डिटेल सारी की सारी पॉलिसी बता दी, और उसके बाद पॉलिसी उठाने के लिए कौन जाता था या पॉलिसी को फाइनल कन्वर्जन के लिए कौन जाता था, मैं जाता था दोस्तों। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा एक कॉन्सेप्ट है विच इज नोन एज बल्क SMS। आप बल्क SMS पे भी प्रमोशन कर सकते हैं। अगर एक महीने में 10,00,000 रुपए कमाने की बात है, एक महीने में MDRT करने का सपना है, तो आप बल्क SMS की भी प्रमोशन कर सकते हैं। इसी तरीके से बल्क ईमेलिंग का भी प्रोसीजर होता है। इसी तरीके से पैम्पलेट मार्केटिंग भी होती है कि पर्टिकुलर सोसाइटी टू सोसाइटी आप पैम्पलेट्स डलवाएं और उन पैम्पलेट्स में कुछ ऐसा डिसाइड किया जाए, कुछ ऐसी थ्रेशोल्ड लिमिट बनाई जाए, कुछ ऐसी प्रमोशन की जाए कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही आपके पास ज्यादा से ज्यादा बिजनेस आए। ये सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स
अपनाने पड़ते हैं दोस्तों। और इन प्रोजेक्ट्स को अपनाने के बाद फाइनली जब आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को भी बता रहे होते हैं, उनको भी आपके तीन टारगेट होते हैं बेसिकली, कि आपको 5,000 वाली पॉलिसी भी प्रमोट करनी है, 10,000 वाली भी और 15,000 वाली भी। तो आप अपने कस्टमर्स में सेगमेंटेशन कर लेते हैं, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास। ए क्लास वालों को आप 15,000 रुपए पर मंथ की पॉलिसी समझा देते हैं, बी क्लास वालों को आप 10,000 रुपए पर मंथ की पॉलिसी समझा देते हैं, और सी क्लास वालों को आप 5,000 वाली समझा देते हैं। और हो सकता है आपके पास से तीन पॉलिसी सी सेगमेंट से आ जाए, चार पॉलिसी आपके पास बी सेगमेंट से आ जाए, और चार पॉलिसी आपके पास ए सेगमेंट से आ जाए। और इतना ही नहीं, जब आप न्यू प्रमोशंस के ऊपर साथ में काम करेंगे, आप कुछ एक्स्ट्रा पुश देंगे, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे, कुछ एक्स्ट्रा बल्क एसएमएस कराएंगे, कुछ एक्स्ट्रा टेलीकॉलिंग कराएंगे, तो वहां से भी कुछ एडिशनल आपको एडवांटेज मिलेगी। और उसका रिजल्ट ये निकलेगा दोस्तों कि आप भी एक महीने में एमडीआरटी करने में सफल रहेंगे। इस तरह के प्रोजेक्ट कि अपनी एक स्ट्रेटजी होती है, उस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर कैसे काम किया जाता है, क्या वर्डिंग यूज़ की जाती है, उसमें क्या कॉस्टिंग आती है, इस बारे में डिटेल में बताने के लिए मुझे जितना टाइम चाहिए वो इस वीडियो में कम है। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा इन चीज़ों के ऊपर भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट वाइज भी मैं आप लोगों को डिटेल बता सकूं, और बता सकूं कि किस कॉस्टिंग के साथ किस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को आप उठा सकते हैं, किस पर्टिकुलर सेगमेंट को आप उठा सकते हैं। दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से लोग, जितने भी एजेंट हैं, वो एक महीने में एमडीआरटी अगर करते हैं तो किस तरह से वो स्ट्रेटजी बनाते हैं और किस तरीके से उस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसी ही कुछ स्ट्रेटजी आप भी वर्कआउट करेंगे और बहुत जल्दी आप भी 6 महीने में, 3 महीने में, 1 महीने में, और ऊपर वाले ने चाहा तो 1 दिन में भी एमडीआरटी करने में कामयाब रहेंगे। भगवान आप सब लोगों के सपनों को पूरा करें, जल्द से जल्द पूरा करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।